9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। PTI की बड़ी विकेट गिर गई। शीरी मजारी का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। आइंदा तहरीक इंसाफ या किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगी। साबिक वजीर ने सियासत को भी खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। इस वक्त PTI का टिकट होल्डर हूं मैं। जो कुछ 9 मई को हुआ है उस हवाले से बिल्कुल कबरी उल्जम है इसमें, ये मानने की बात नहीं है। आज मैं इसके साथ ही PTI का टिकट PTI वालों को, इमरान खान को वापस करता हूँ। मैं PTI से इस्तीफा देता हूँ। PTI में पतझड़, पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। अब्दुल रज़ाक नियाज़ी, इफ्तखार गिलानी और जलील शरकपुरी ने भी खुदा हाफिज कह दिया। पाक फौज सरहदों की मुहाफिज, तंसीबात पर हमले काबिले कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वालों का मौकफ। जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा भी राहें जुदा करने के लिए तैयार, वकील ने तस्दीक कर दी। बलूचिस्तान से गिरफ्तार कालादम तंजीम के गुलजार इमाम शंबे को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। दुरुस्त रास्ते पर नहीं था। गिरफ्तारी के बाद माजी को परखने का मौका मिला। मसाइल का हल पुरअमन तौर पर ही मुमकिन। सूबे के हुकूक की जंग आइन और कानून के दायरे में रहकर ही लड़ी जा सकती है। शंबे की तमाम साथियों से कौमी धारे में शामिल होने की अपील। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए विफाक से बात करेंगे। ज़िया लांगू का इजहार ख्याल। दहशतगर्दों का नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। दहशतगर्द अगर है वो लोग हैं जो गुजरात में दहशत फैलाते हैं। आपकी जिंदोजहद की वजह से भारत का असल शक्ल जो है वो दुनिया के सामने, अगर अमन में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार रुकावट है। अगर दहशतगर्दी का मसला हल करने में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार वो रुकावट है। हम दहशतगर्दों की नहीं शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। कश्मीर के मामले पर तमाम जमातें यकजुबान। मकबूजा वादी में राय शुमारी की बात करें तो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में कत्लेआम किया। मोदी सरकार खित्ते के अमन में असल रुकावट है। भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। मुल्क के सियासी और मुआशी हालात पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। बरतानिया से रकम की गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात से मुतालिक केस। इमरान खान नैब रावलपिंडी में पेश। हुकाम की PTI चेयरमैन से पूछगछ। अल कादर ट्रस्ट का रिकॉर्ड पहले ही एहतसाब ब्यूरो को मिल चुका। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक रसाई नहीं। साबिक वजीर आजम का मौकफ। पेशी के बाद अदालत से वापस रवाना।
अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस, बुशरा बीबी की 31 मई तक उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का इमरान खान की अहलिया को 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। इमरान न्याजी साहब और शहजाद अकबर साहब ने खुर्द बुर्द करके जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था वो सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आया ही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को मिला ही नहीं, पाकिस्तान के अवाम पर खर्च हुआ ही नहीं। अब इसके एवज 458 कनाल जमीन इमरान न्याजी साहब को गिफ्ट की जाती है उसी प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से। बरतानिया से भिजवाए गए 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में नहीं आए, रकम सुप्रीम कोर्ट के खाते में मुंतकिल की गई। उसके बदले 458 कनाल अराजी इमरान खान को गिफ्ट हुई। ये तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही की 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में 1 जून तक तौसी। गुजरावाला की एंटी करप्शन कोर्ट ने आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। साबिक वजीर आला पंजाब पर तरक्याती स्कीमों में 2 अरब रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम है। लाहौर की सेशन अदालत में जिले शाह कत्ल केस की समाअत, फारूक हबीब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूदुर रशीद की उबूरी जमानतें खारिज। फवाद चौधरी और राजा शकील जमान की उबूरी जमानत में 3 जून तक तौसी। अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस, बुशरा बीबी की 31 मई तक उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का इमरान खान की अहलिया को 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। इमरान न्याजी साहब और शहजाद अकबर साहब ने खुर्द बुर्द करके जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था वो सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आया ही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को मिला ही नहीं, पाकिस्तान के अवाम पर खर्च हुआ ही नहीं। अब इसके एवज 458 कनाल जमीन इमरान न्याजी साहब को गिफ्ट की जाती है उसी प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से। बरतानिया से भिजवाए गए 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में नहीं आए, रकम सुप्रीम कोर्ट के खाते में मुंतकिल की गई। उसके बदले 458 कनाल अराजी इमरान खान को गिफ्ट हुई। ये तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की सदारत में अहम इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस शरपसंदों की गिरफ्तारियों के हवाले से ब्रीफिंग, एहतजाज की आड़ में अमलाक पर हमले और जलाओ घेराव नाकाबले बर्दाश्त, जिम्मेदार सजा से नहीं बच पाएंगे, मोहसिन नकवी का इआदा।